सांसद में सेंगोल को लेकर दिए गए समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी डी शर्मा ने सपा सांसद के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। जब ओवैसी सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहे थे तब सपा के सांसद कहाँ थे। लोकसभा के विशेष सत्र में तमाम मुद्दों के साथ सेंगोल एक बार फिर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी सांसद आर के चौधरी ने संसद में सेंगोल की जगह संविधान रखे जाने की मांग की, जिसे लेकर भाजपा ने विरोध जताया। भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आर के चौधरी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं और भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं। ये लोग गलती से जीत कर आ गए हैं, लेकिन भ्रम में ना रहें, देश की जनता जल्दी इन्हें फिर से जवाब देगी। वहीं ओबीसी के मामले में वी डी शर्मा ने कहा कि उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। देखिए सपा सांसद और ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ओबीसी जैसे लोग पैलेस्टीन जिंदाबाद कर रहे हैं, कहाँ थे सपा के सांसद? ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े, भारत में स्थिरता लाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जनता गलती से जीत करके आ गए होंगे, भ्रम में न रहें, इस देश की जनता इन्हें जल्दी ही फिर से जवाब देगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।